पूजा करते हैं उस देवी देवता के बारे में हमको जानना जरूरी। जैसे दुर्गा जी की पूजा करते हैं, दुर्गा जी की आदि शक्ति माँ दुर्गा, जितने देवता हैं सबने मिल करके अपनी अपनी शक्तियों को थोड़ा थोड़ा जो शक्तियां थी उन्हें इकट्ठा किया और आदि शक्ति माँ दुर्गा तैयार हो गई। अब देवी देवताओं के काम क्या है, पर एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आप लोगों को पता तो सब है, आप लोग ही वो देवियां हैं, ये लोग ही वो देवता हैं, बस अपनी शक्तियों को हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। जैसे ही हम अपनी शक्तियों को पहचान जाते हैं हम सच्चे देवता बन जाते हैं, सच्ची देवियां बन जाते हैं, ठीक है। राम कौन थे, उनके भी दो हाथ दो पैर, ठीक है ना। पार्वती मैया कौन है, उनके भी वही दो हाथ दो पैर, आप लोगों के दो हाथ दो पैर। आप लोग किसी से कम नहीं है, आप लोग सिर्फ बर्तन मांजने, झाड़ू लगाने, पोछा लगाने, खाना बनाने के लिए पैदा नहीं हुई है, आप लोगों के अंदर बड़ी शक्ति है और शक्ति का उपयोग किसी को मारने में नहीं करना है, प्रेम में करना, प्रेम बांटना है। माँ का सबसे बड़ा स्वरूप क्या है, माँ प्रेम देने वाली है, माँ जितना प्रेम कौन देगा, पिता तो एक बार कठोर हो जाता है लेकिन माँ बहुत प्रेम बांटती है। माँ को भी गुस्सा आती है, जब उछलाती है थोड़ा सा नाराज होती है तो गुस्सा तो आती है, लेकिन इसके बाद भी माँ की बराबरी पिता नहीं कर सकता प्रेम बांटने में। अब तो फिर माँ बड़ी हो गई पिता छोटा हो गया अगर कहेंगे ऐसे में तो, लेकिन नहीं, अब पिता का देखिए, अब पिता करो, क्योंकि आप दोनों लोग बैठे हैं, बच्चियां बैठी हैं और आप लोग एक एक व्यक्ति यहाँ हजारों लाखों के बराबर है ऐसा, क्योंकि जो स्थान है ना ये स्वर्ग है, सच्चा स्वर्ग, यहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद की बारिश होती है, यहाँ प्रेम ही प्रेम बरसता है, और जहाँ आनंद और प्रेम की बारिश हो वही है स्वर्ग, ठीक है ना। और अपन लोग सब लोग मिलकर, और स्वर्ग में रहता कौन है, स्वर्ग में रहते हैं देवी और देवता, उसी में से कोई ठीक ठाक काम करता है उसको वहां का मुखिया बना देते हैं। तो हम भी आप लोगों में से कोई थे, हमने भी सेवा की तो हमको आप लोगों ने बैठा दिया कि चलो बाबा जी एक काम करो, अभी हम लोग व्यस्त है तो आप संभालो, जैसे हम वैसे आप लोग हैं, ठीक है ना। चूंकि आप ऊंचाई पर, बोले बाबा जी आप तो ऊंचे बैठे हो, ऊंचे इसलिए बैठे हैं कि सब लोगों को दूर तक दिखाई दे सुनाई दे, हम भी नीचे बैठ जाएंगे। हम ऊंचे इसलिए नहीं बैठे हैं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे इसलिए बैठे हैं कि सब लोग जहां बैठे हैं वहां से देख सके और हम भी जहां से सबको देख सके, क्योंकि सबसे जब कहते हैं कि नजरों से नजरें मिलती हैं, संवाद होता है और नजरों की ताकत बड़ी पवित्र होती है, कहते हैं कि ये दिव्य शक्ति होती है, नेत्रों से नेत्रों का मिलना, किसी से अगर जो है आंखों से आंखें मिल जाती हैं, है ना, तो पूरे भाव परिवर्तित हो जाते हैं। अगर किसी को ऐसे घूर के देख लिए तो बोले गुस्सा है, थोड़ा सा उसको अच्छे से प्रेम से निहार लिए तो बोले खुश है। मूर्तियों में भी देखते हैं, तस्वीरों में, तस्वीर कहते आज मूर्ति में देखे तो बहुत क्रोधित थी माता जी, वो वही दूसरी कोई बोले कितना मुस्कुरा रही थी, होता ना। तो क्या है, नजरों का खेल, उसी नजर से नजरिया बदलता है, उसी नजर से नजारे बदलते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देवी देवता हैं और मैं उन देवी देवताओं का सेवक हूँ। अभी हम प्रसाद बना रहे थे तो भी अब लोग बोले, बोले महाराज जी आप परेशान, परेशान कैसे हो सकते हैं, हम प्रधान सेवक हैं जो सबसे छोटा काम कर सके, जो सबसे सबकी सेवा कर सके, सबको प्रेम बांट सके, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके। अगर हमारे कारण किसी एक भी चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो ही हमारा जीवन धन्य है। अगर हमारे कारण किसी एक के भी चेहरे पर कष्ट होता है तो हमारा जीवन बेकार। बदले में कुछ बगैर लिए बिना स्वार्थ के देने की प्रवृत्ति हो, जो है हमारे पास में, किसी से लूट के देने की बात नहीं है, हमारे पास में जो कुछ भी है, आश्रमों में प्रभुत बांटते हैं भाई, क्योंकि आश्रमों में खजाना तो लेते नहीं, चंदा तो करते नहीं भाई, जहां करते हैं वहां की बात अलग है, ठीक है। तो और भभूत, भभूत के दो कारण है, पहली बात तो है कि प्रसाद चाहिए सामने वाले को कुछ, तो भभूत मिल गई। दूसरा, भभूत इस बात का संकेत है ये जीवन भी इसी राख जैसा हो जाएगा एक दिन, तो बात को समझना है, ये जीवन हमारा राख जैसा तो हो जाएगा, लेकिन राख कौन सी बने। धूप लग रही माता जी, और आ गया जाने, हाँ जाने। तो राख भी दो तरह की होती है, ठीक है। एक राख होती है चूल्हे की राख, चूल्हे की राख से क्या करते हैं, बर्तन मांजते हैं,
और एक राख है हवन कुंड की राख है, इसका तिलक करते हैं, इसको प्रसाद पाते हैं, इसका गले में लगाते हैं, छाती में लगाते हैं, जहां दर्द होता वहां लगाते हैं और आराम मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है, अब बताइए है तो उसी से बनी। तो कहते हैं कि भाव जैसा तैयार होगा, यदि आपके अंदर भाव पवित्र है आपको मिलना चालू हो जाता है। जिसके अंदर भाव नहीं होता है, सबसे पहले अपन दुकान जाते क्या बोलते हैं, क्या भाव है ना, अपन सब दुकानदार लोग हैं तो अपन भाव ही बताते हैं, तो थोड़ा सा बढ़ा के बताते हैं भाव। भाव बढ़ाना चाहिए और उससे भी बढ़िया है कि भाव हमारा बढ़ जाए। कहते हैं कि आप कितने कीमती हैं और आपकी कीमत कौन करेगा, आपकी कीमत वो करेगा। जैसे मान के चलिए आप लोग सब्जी बेचते हैं ज्यादातर लोग, अपन गए तो उसने कहा सब्जी का रेट भैया 10 रुपए किलो है, अरे अपन ने कहा ये तो बहुत गिल गिले टमाटर है, इसका तो थोड़ा कम लगाओ। आपको अपने आप को मजबूत जब रखेंगे तब आपकी कीमत बढ़ेगी। भाई आज हम दृढ़ संकल्प के साथ यहाँ बैठे इसलिए इतने लोग आए ना, नहीं तो भाई आप लोग भी तो उसी कैटेगरी में, मानो आप भी मानो मैं भी उसी देह को आपने पाया, उसी देह को हमने पाया, क्या हो गया मतलब गल बना के आ रहे यार, जहाँ अच्छा प्रसंग चला तो बैठ जाओ। हां बैठ ठीक है माता जी, बन गया कुछ बैठने को दे देते है ना। तो हमारे जीवन के कुछ उद्देश्य होने चाहिए, क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्योंकि हम लोग गृहस्थ लोग हैं, सुना रहे हो गृहस्थ जीवन। अब गृहस्थ जीवन सब लोग, मैं भी गृहस्थ जीवन से निकला हुआ हूँ, ठीक है। तो गृहस्थ जीवन से मतलब ये है कि किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि प्रभु मुझे इतना देना कि मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे घर से कोई आए तो वो भी भूखा ना जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। बोलते ना अतिथि देवो भव, आपके घर में यदि ना कोई भी आता है तो बड़े प्रेम से सबसे पहले तो उसका स्वागत होना चाहिए मुस्कुराहट से। मुस्कुराहट भी कई प्रकार की होती है, कहते हैं स्त्री की मुस्कुराहट खतरनाक होती है, पुरुष की मुस्कुराहट जो होती है वो काम निकालने वाली होती है। स्त्री अगर स्त्री थोड़ा हंस देगी ना तो लोग कहेंगे यार ये महिला ठीक नहीं है, ठीक है। अगर किसी दूसरे को देखो ये अब यहाँ भी बड़ा हुआ वचन है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। माताएं तो मुस्कुराहट से बच्चों में प्रेम ही बांटती हैं, लेकिन लोगों का भाव किसको देखकर मुस्कुराना है। जैसे अभी आप लोग मुस्कुरा रहे हैं आश्रम में, सब लोग बैठ के अपन एक दूसरे को देख के मुस्कुरा इसकी, लेकिन राह चलते मुस्कुराना ठीक नहीं है, अपरिचित के सामने मुस्कुराना ठीक नहीं है। अब आप जानते हैं कि हम यहाँ पर बाबा जी के सामने तो यहाँ आनंद ले रहे हैं और आनंद बांट रहे हैं, तो यहाँ तो मुस्कुराहट सीधी सी बात है कि जब हम जो परोसेंगे वो हमको मिलेगा। हम मुस्कुराहट बांट रहे हैं तो सीधी सी बात है सब लोग मुस्कुराएंगे, तो यहाँ की मुस्कुराहट में गड़बड़ी नहीं है। लेकिन माताओं को बेटियों को, आप लोग सब लोग अपनी अपनी बच्चियों की माताएं हैं, आप लोग भी सिखाते बेटा किसी को भी देख के ज्यादा हंसना नहीं, थोड़ा सिखाती है ना आप लोग, क्यों सिखाती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि दुनिया बड़ी बेरंग है, बाहर का ढंग बड़ा गड़बड़ है, आपकी बच्चियां धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, ठीक है। तो लोग ये ना कहने पाए कि अरे यार बताओ ये इनकी बिटिया तो चाहे जिसको देख के जो है बात करने लगती। ये गृहस्थ जीवन के कुछ लक्षण हैं, हम क्यों बता रहे हैं, हमारा भी गृहस्थ जीवन का थोड़ा सा अनुभव था जीवन का, इसलिए आपको ये रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के बच्चे बहुत ऊंचाई पर जाएं, आप भी चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूं। मैं कहता हूं मैं तो आपसे ज्यादा चाहता हूं कि आपके बच्चे और जाए। आप तो कहते हैं मेरे बच्चे की ठीक ठाक नौकरी लग जाए, मैं कहता हूँ ठीक नौकरी नहीं सबसे अच्छी नौकरी लगे। तो मैं आपके बच्चों के लिए आपसे ज्यादा चाह रहा हूँ ना। आप तो कहते हैं कहीं छोटी मोटी सरकारी नौकरी लग जाए बाबा जी, मैं कहता हूँ नहीं कलेक्टर बनाइए अपने बच्चे को, ठीक है ना। तो आपसे ज्यादा ऊंचा मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको प्रेरणा देने वाला हूं, और मैं यदि आपको प्रेरणा दे रहा हूं और मेरी प्रेरणा से यदि एक बच्चे के अंदर भी एक माता के अंदर भी पेड़ एक होता है, कितने लोगों को छाया दे चुका होता है, एक ही पेड़ होता है भाई। आप जैसे रोज 150 लोग आश्रम आते हैं, ठीक है, किसी को हमारी बात जो है अच्छी लगती है, किसी को बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, कोई उसको तुरंत से निभाने का प्रयास करता है। तो गृहस्थ जीवन का पहला कर्तव्य है अतिथि देवो भव, कोई आए तो भूखा ना जाए, बैठो भैया जो भी हमारे पास में 2 रोटी खा लो, अचार रोटी नमक रोटी जो है अपने पास में, अपने पेट का काट करके उसको देना, अपने लिए थोड़ा सा कम बचाना,
देखो उसके दो फायदे हैं, एक तो वो जहां जाएगा गुणगान करेगा, नाम ना जाने वो, चेहरा ना पहचाने, भूल जाए, लेकिन जहां भी जाएगा कहेगा वाह आज एक माता जी मिली, उनने मेरा पेट भर दिया, बड़ी धन्य हो माँ आपकी जय हो। जैसे अपन आते हैं पूजा करते हैं ना, अपन माता जी क्या कहते हैं, वाह माता जी आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी, आपके दर्शन हो गए, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। दर्शन से क्या मिला, दर्शन से तृप्ति मिलती है। अपन मई है इलाहाबाद गंगा जी, अभी हम लोग गए पैदल ही गए ना काफी दूर तक, इसके बाद भी सब लोग देखे कितने प्रसन्न, मजा आ गया बाबा जी बहुत अच्छा लगा, क्या हुआ दर्शन का फल। और हम जब उसके जितने पवित्र भाव से हमने दर्शन किया, वो हमको फल मिलता और तुरंत मिलता है। अभी हम बात कर रहे हैं तो कितनी देर बाद आपको आनंद मिल रहा है, तुरंत जैसे ही जा रहा है तुरंत मिल रहा है। अब ये बात है कि कुछ लोगों का कनेक्शन जैसे क्या होता है कि तार मोटी और पतली तार होती है लाइट की, तो कुछ पतली तार जो होती है तो उसको कवर नहीं कर पाती है, हार्ड हो जाती है। कुछ जो उसके लेवल की तार होगी तो वो पूरा का पूरा करंट जो है उसका पास होता रहता है, वो बराबर जो है ना। तो अब जैसे छोटे बच्चे हैं क्या रहेंगे, यार बाबा जी जो है काम की बात नहीं कर रहे। और बच्चों काम की बात क्या है भाई, प्रसाद दियो निकलो ठीक है ना। लेकिन इसके बाद भी हमारे जो आश्रम में आते हैं बच्चे, धीरे धीरे बड़े समझदार हो गए, अगर उनको बोलो ना कि बेटा आप प्रसाद खा लो, बोले बाबा जी ने अभी हम बैठेंगे पहले थोड़ी देर बाद, इसके बाद आप प्रसाद खाएंगे। नहीं तो मंदिर में गए तो भक्त ने प्रसाद चढ़ाया और पंडित जी ने प्रसाद दिया, अब बोले आगे बढ़ो। तो जब तक सबसे बड़ा प्रसाद क्या है, विचार, विचारों का प्रसाद जब दिमाग में घुस जाएगा तो भूख प्यास, अभी बताया हमने एक घूंट पानी तक नहीं पिया है ठीक है, कल आपके हम एक प्रसाद पाके आए ठीक है, और उसके बाद में अभी हमने एक घूंट पानी नहीं पिया, इसके बाद भी परम आनंद में है। क्यों, क्योंकि मैं जो प्रसाद बांट रहा हूं ना उसका आनंद मेरे पास लौट के आ रहा है ठीक है, कष्ट रत्ती भर नहीं है। और अगर ऐसे ही अभी लगभग ये मान के चले कि 10 बजे तक ये क्रम चलेगा, आज एकादशी भी और लगभग रोज का क्रम है कि 8 बजे तक तो रोज का क्रम चलता ही है, तो आज एकादशी है तो कम से कम 10 बजे तक ये क्रम चलेगा, और इसके बाद भी इतना ही मुस्कुराहट चेहरे में है और इतना ही आनंद है, किसी से कोई छल कपट नहीं, किसी से कोई भेदभाव नहीं, किसी से कोई लोभ लालच नहीं है। इसी तरीके से आप माताओं के अंदर भी सबके प्रति। दूसरा अब हमने बोला कि माताएं अगर बड़ी हैं तो फिर पति पिता कैसे छोटा हो गया, पिता नियंता है, कंट्रोलर ठीक है ना, क्योंकि चक्की में दो पार्ट तो होते हैं लेकिन उसको सपोर्ट देने वाला एक रॉड होता है ना, साथ होता है ठीक है। तो पिता उसके पाए के साथ साथ में वो भी है सपोर्टर, उसको जो है कंट्रोल भी करना है, पत्नी को भी कंट्रोल करना है क्योंकि माताएं भाव विभोर हो जाती हैं ठीक है। अभी हम कहें माता जी कल आपको भंडारा करना है तो कल 1 क्विंटल गेहूं भेजो, तो आपने जाके घर में बोला कल 1 क्विंटल गेहूं बाबा जी को चाहिए, अरे बोले कहाँ चक्कर में पड़े, तो फिर वो समझाएंगे कि चाहे जिसके चक्कर में मत पड़ो, थोड़ा समझदारी से काम लेना भाई, आप लोग भी नुकसान नहीं चाह रहे, वो भी नुकसान नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आपको कोई बहला फुसला के, क्योंकि आप लोग सरल हो ना। अच्छा कठोर होगी तो सब भद्रकाली मां हो जाती है, कठोरता भी है तो माता की कठोरता भी बड़ी खतरनाक है, इसीलिए कहते हैं माँ सरल ही रहे। माँ जब कठोर होती है तो बोले ना शंकर जी की कोर जब चढ़ गई तब देखिए अरे तो फिर जीव निकल आई, तो कहते हैं कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल तो है ठीक है, कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है नारी। तो आप लोग जो नारी आदि शक्ति हैं और आदि शक्ति जिस पर प्रसन्न हो जाए, हम पर प्रसन्न कौन हुआ, हम पर प्रसन्न आदि शक्ति हुई, इसलिए उसकी जो शक्ति है वो हमारे पास थोड़ी बहुत आ गई और हम उसकी सेवा करने लायक बन गए। एक तुच्छ सा प्राणी, एक तुच्छ सा सेवक ठीक है। कहते हैं कि जो भौरा होता है वो फूल में अपना रस पान करता रहता है, कई बार वो फूल लोग भगवान के पास चढ़ा देते हैं तो भौरा भी जो है भगवान के पास पहुंच जाता है ठीक है। तो बताइए उसकी क्षमता नहीं थी लेकिन वो वहां तक पहुंच गया। तो इसी तरीके से हम भी जो है आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की ऊर्जा से यहां तक पहुंच गए हैं, और माता रानी आप लोगों को खूब ऊंचाई तक पहुंचाएं, यही हम प्रार्थना करेंगे है ना। और अभी आप लोगों ने भजन बड़े बड़े अच्छे गाए,
थोड़ा धीरे धीरे गा रहे थे, लेकिन कुछ लोग जो है कंजूसी कर रहे थे, ठीक है। और कंजूसी के दो कारण हो सकते हैं, कहीं कल कुछ लोग थक भी गए थे, तो कल की थकावट अब वहां तो निकलेगी नहीं। तो थकावट कहाँ निकलती है? जहां पर प्रेम होता है, जहां आराम मिलेगा तब थकावट वहीं लगती है, जब तक काम रहेगा तब तक थकावट नहीं रहती। कल आप लोग 10-11 बजे तक खूब इधर से उधर दौड़ रहे थे बढ़िया, तब तक थकावट नहीं थी। और आराम मिलता है जब, जिस दिन पति ज्यादा प्रेम करेगा उस दिन अपन ज्यादा उनको ऑर्डर देंगे, अब हमको ये भी चाहिए आज, बोले हाँ ठीक है मिल जाएगा, बोले आज हमको ये भी चाहिए तो बोले ये भी मिल जाएगा। और जिस दिन बोले आज गुस्सा है, बोले रहन दो, नमक भी नहीं मंगाते अपन उस दिन, बोले आज ऐसे ही चला लो काम। जब पूछे कि क्यों आज नमक कम क्यों है सब्जी में, बोले आप गुस्सा थे तो हम बोल नहीं पाए, होता है ना ऐसा। तो क्रोध, और क्रोध से सबको बचना चाहिए, गुस्सा सबको आती है ऐसा नहीं, लेकिन पीना पड़ता। जिसने क्रोध को पी लिया है, भगवान शंकर जी है ना, भगवान शंकर जी ने जहर पिया, नीलकंठ बने, तो भगवान शंकर जी ने क्रोध को पिया, पार्वती जी जो है नहीं बर्दाश्त कर पाई, तो पार्वती जी ने अपने मायके को भी तबाह करवा दिया कुछ समय के लिए ही सही। भाई कहते ना कि बगैर बुलाए मायके भी नहीं जाना चाहिए, और पार्वती जी चली गई थी बगैर बुलाए मायके, और वहां सम्मान नहीं हुआ। किसका सम्मान नहीं हुआ? शंकर जी का, उनको अपना सम्मान नहीं चाहिए था। वहां गई तो देखी यार यहाँ सबका आसन लगा, मेरे पति का आसन नहीं है, तो उन्होंने वहां पर बोला, और यही पूरा दृश्य था ऐसा। तो हवन को बढ़िया प्रज्वलित था वहां पर, और कूद गई, कूद गई तो पता चला भगवान शंकर जी को, तो शंकर जी वहां पहुंचे, पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया उन्होंने। किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए, नहीं तो बोलती ना और जाओ, पति लोग कहते ना तर्क और जाओ, लेकिन शंकर जी ने ऐसा नहीं कहा। शंकर जी ने कहा कि मैं यज्ञ विध्वंस पूरा बर्बाद कर दिया, अहंकार आ गया था ना। तो पार्वती जी, अब इससे संकेत क्या मिलता है कि पति की आज्ञा को जरूर माने। कुछ जगह ऐसी आती होंगी जहां नहीं भी मानना चाहिए, लेकिन 99.99% अब जैसे पति शराबी हो तो पति कहे मेरी बात मानना चाहिए तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, ठीक है। पति गांजा भांग पिए, गुटखा तंबाकू खाए तो नहीं मानना चाहिए, हम बोल रहे हैं परमिशन है, चाट ने चौदट सुनाओ, ठीक है। और कोशिश ये रहे अकेले में सुना है कि सामने वाले की इज्जत और आपकी इज्जत दोनों की है ना, अब प्रयास रहे, ठीक है ना। तो हम माताओं के भाव समझते हैं, इसीलिए हम माताओं की बात जो है परोस देते हैं, क्योंकि माताओं की बात जो है